इकट्ठे हुए मां यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा, जहां दो या तीन इकट्ठे हुए मां यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। जावेदा यीशु मसीहा,
अच्छा वो नाम सच्चा वो नाम यीशु नाम मीठा वो नाम अच्छा वो नाम सच्चा वो नाम यीशु नाम ओ यीशु Good evening, church. Good evening, Kalisia. I hope you're doing well. मुझे आशा है कि आप सब सही हो, अच्छे हो. I hope you're safe. मुझे आशा है कि आप सब महफूज हो. And I'm so excited to share with you the word of God this evening.
और मैं आज इतना उत्तेजित हूँ कि आप सबके साथ में परमेश्वर के वचन से बात करूँ. You know, I look forward for this time. मैं हमेशा इस समय के इंतजार में रहता हूँ कि I look forward to spending this time with you, and I'm so privileged to spend this time with you. मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कब मैं आप सबके साथ इस प्रकार से समय बिताऊँ तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें. So what we're going to talk about today is courage. तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है साहस या धैर्य. I think courage is very important today. जो साहस है वो काफी अहम है आज के दिनों में. You know, in this whole pandemic, ये पूरी आपदा की हालत में, the devil has stolen a lot of things. शैतान ने बहुत सारी बातें बताई है, कही. Has stolen a lot of things. शैतान ने बहुत सारी बातें चुराई है. He has stolen, he has destroyed a lot of things. उसने बहुत सारी बातें चुराई है, बहुत सारी चीजों का घात या फिर नुकसान किया है. And one of the main things I think that has been stolen. और सबसे मुख्य बात अगर किसी चीज की चोरी अगर हुई है वो ये है कि is courage this time. वो इन दिनों में ऐसे समय में है वो साहस. I want to encourage you today a little bit on courage. आज मैं आम सबको उत्तेजित करना चाहता हूँ साहस को लेकर. And what it means. और ये साहस उसका अर्थ क्या है? You know, one funny story. एक बड़ा ही हास्यात्मक ऐसी एक बात है, कहानी है. One of the earliest scriptures that I learned in my life. कि मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में सबसे पहला अगर कोई वचन या शास्त्र में से ऐसा कोई भाग मैंने अगर सीखा है. You know, we all have scriptures that we learn every day. ऐसे हम सब में बहुत सारे ऐसे वचन होते जो हम हर रोज सीखते हैं. Our favorite scripture, you can call it. अगर कहने जाए तो वो हमारे पसंदीदा ऐसे वचन होते हैं. We all have a, some say, most people will say it's Psalm 23, some will say Psalm 1, some will say Psalm 91. कुछ लोग हैं जो कहेंगे भजन संहिता इसका 23वां अध्याय, कुछ कहेंगे भजन संहिता Psalms 91, ऐसे अलग अलग सबके वचन होते हैं जो पसंदीदा होते हैं उनके. But I remember one evening. लेकिन मुझे याद है एक शाम को. My mother, my sister and I. मेरी माँ, मेरी बहन और मैं. We were sitting at the table. हम उस मेज के पास बैठे थे टेबल पर. And the lights had gone. There was a power cut. वहाँ पर बिजली नहीं थी उस समय. And we were sitting at the table. और हम वहाँ पर बैठकर. With a candle. वो वहां पर मोमबत्ती लगाकर. And we will, my mom said, okay, both of you. मेरे मम्मी ने कहा ठीक है चलो अब तुम दोनों. Both of you pick out a scripture that you want to learn. एक ऐसा वचन निकालो या शास्त्र भाग निकालो जो आप याद करना चाहते हो. And she gave us a list of scriptures from the concordance in the back. और कॉन्कॉर्डेंस में से उन्होंने हमको एक बड़ी लंबी यादी बताई ऐसे से इतने सारे वचन है. And I was going through all the scriptures, which one I want to learn. मैं सारे वचनों से जा रहा था कि इसमें से मुझे कौन सा है जो याद रखना है. And one scripture stood out for me. और मेरे लिए उन सब वचनों में से एक वचन था जो काफी मुझे प्यारा या फिर ज़्यादा मेरा आकर्षण उसके और बढ़ा. It is from 2 Timothy 1:7. वो है 2 तिमोथी इसका पहला अध्याय और 7वां वचन. And it's a simple verse. और ये काफी सीधा और आसान वचन है वो. But this verse has got me through some really hard times. लेकिन ये वचन है जिसने मुझे काफी कठिन समयों में से मुझे सहायता दी है. And the verse goes like this. I'll read it out. For the Spirit of God does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. वचन में कहा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है. Some other, the KJV would say, for God has not given us a spirit of fear, but of love and of power and of a sound mind. दूसरे इसके भाषांतर में ऐसे बाइबल में बताया गया कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं लेकिन शांत मन का, प्रेम का और सामर्थ का ऐसे आत्मा दिया है. See, you know, there's four things that the scripture highlights. ये जो वचन है जो हमने पढ़ा है ये चार बातों पर जोर फरमाता है. Its first thing is fear, timid. सबसे पहली बात है वो है डर. In another word for it is being timid.
दूसरे शब्दों में इसका भाषांतर ऐसे होता है कि कमजोर कमजोर other Greek words used is cowardice, fear, fearful. दूसरे अगर ग्रीक शब्दों पर हम जोर फरमाए इससे तुलना में तो वो है डरपोक होना या फिर भयभीत होना कमजोर होना. And so here Paul is writing to Timothy. तो यहाँ पर सेंट पॉलस तिमोथी को ये लिख रहे हैं कि is that God has not given you a spirit of fear. Those of us who know our Bible know that Timothy was a timid character. He was a fearful character in the Bible. अगर हम में से जितने लोगों को बाइबल अच्छे से पता है वो जान पाएंगे इस बात को कि जो तिमोथी है वो एक कमजोर किरदार था वो थोड़ा सा डरपोक था. And Paul is encouraging him here today. और सेंट पॉलस यहाँ पर इस वचन के द्वारा उसे उत्तेजित कर रहे हैं कि very strangely saying that the spirit of God has not made us timid or fearful. और बड़े अलग अंदाज से वो ये बताते हैं उसे कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको भय भयभीत होने के लिए या भय का आत्मा नहीं दिया है. Let me tell you today, fear is the enemy of faith. मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास का अगर कोई बैरी है वो कोई और नहीं लेकिन वो है डर. Fear is one of the weapons. एक ऐसी बात है वो एक शस्त्र के समान है जो है डर. The same word used for fear, the cowardice, can be seen used in Matthew 8:26 when Jesus is at the storm. वहाँ पर जो मत्ती आठ उसके अध्याय में हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह का सामना उस तूफान से होता है वहाँ पर इन शब्दों का उपयोग किया है. Jesus is sleeping in the boat and the storm comes. यीशु मसीह उस जहाज में सोए हुए हैं और वहाँ पर तूफान आता है. And the disciples wake him up. Master, wake up! We're about to drown. और शिष्य उसे उठाते हैं कहकर कि मालिक उठ जाइए हम तो डूबने वाले हैं. And Jesus turns around and says, "Ye of little faith." यीशु मसीह मुड़कर उनसे कहते हैं कि इतना कम तुम्हारा विश्वास है. Why are you scared, ye of little faith? कि तुम क्यों डरते हो अविश्वासी की तरह. And I think that's the same word used. You can see in Revelation how it says cowardice. That means cowardice, cowardly. और यही शब्द का प्रयोग हम प्रकाशित वचन में देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि डरपोकता या फिर डरपोक होना. And God does not like that because that's a sign of disbelief. और परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये दर्शाती है अविश्वास को. It's a sign of disbelief and it does not come from God. और ये अविश्वास का चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता. That's what Paul is trying to say in this, that the spirit, these kind of things do not come from the spirit. और यही बात सेंट पॉलस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी बातें आत्मा के द्वारा नहीं आती है. And I think we should be very important. I think this is an important thing because this shows us that it's not only the spirit of God that feeds us. और ये बात हमारे लिए काफी अहम है कि ये बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर की आत्मा हमें क्या देती है और क्या है ये बात. You have the strength to choose who you want to be fed by. कि तुम्हारे पास वो बल है कि तुम इस बात की चुनाव कर सकते हो कि तुम्हें किस चीज से ताकत मिलनी है या किस चीज से तुम क्या हासिल करना चाहते हो. We have the strength and the power and the authority given by God. हमारे पास वो ताकत है वो बल है वो अधिकार है परमेश्वर से मिला हुआ. Either we can choose fear or we can listen to the spirit of God. या तो फिर हम डर को चुन सकते हैं या तो फिर हम परमेश्वर की आत्मा को चुन सकते हैं. But we got to realize that fear is not from God. लेकिन हमें आज ये एहसास करना है कि जो डर है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. In fact, the next point I want to speak about is the next thing he says, but of love. अगला मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूँ वो है प्रेम. So he talks about one negative spirit, that is fear. तो यहाँ पर वो एक नकारात्मक आत्मा के विषय में कहते हैं जो है भय. And then there's love. और उसके बाद वो दूसरा कहते हैं प्रेम. See, love is a gift of the Holy Spirit. जो प्रेम है as we see in Galatians. जैसे हम गलतियों की किताब में देखते हैं कि जो प्रेम है वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है. It's the fruit of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के वो फल है.
Love is the fruit of the Holy Spirit. You know what that means? इसका अर्थ क्या है कि पवित्र आत्मा का जो फल है वो प्रेम है. When we are filled with the Holy Spirit, कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, when the Holy Spirit comes and fills us, जब पवित्र आत्मा आकर हमको भर देते हैं, the fruit of that filling is love. उस भरने का जो फल आता है वो है प्रेम. So one of the transformations of the Holy Spirit is love. एक प्रकार का परिवर्तन जो पवित्र आत्मा के भरने से होता है उसका नतीजा है प्रेम. And now this is very strange. अभी काफी अजीब है. Because the way Paul is using love, कि जिस प्रकार से संत पौलुस इस प्रेम का उपयोग या फिर प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, is not the love between God and man, but the love between man and others. ये प्रेम वो नहीं है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, लेकिन ये प्रेम वो है जो मनुष्य और अन्य मनुष्यों के बीच होता है. So when you're filled with the Holy Spirit, तो जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, you won't just be changed from inside, but that inside transformation will be seen in your love for others. Then you will start following the commandments of God, like love your neighbor as yourself. तब जाकर आप केवल अंदर से बदलाव आपको या फिर परिवर्तन महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके परिवर्तन इस तौर पर होगे कि आप जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम करता है वैसे आप दूसरों के साथ भी वैसे ही प्रेम की भावना रखोगे. We will love others through the abundance of the Holy Spirit, of the love of God. हम दूसरों से प्रेम जो परमेश्वर के अंदर की प्रेम की बहुतायत है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस प्रेम से हम उनसे प्रेम करेंगे. And I find it very interesting how Paul is trying to put love against being timid, being fear, being a coward. अब मुझे काफी ये रोमांचक लगता है कि किस प्रकार संत पौलुस ने इस प्रेम शब्द का प्रयोग किया है, जहां पर पहले उन्होंने भय के विषय में कहा और उसके तुलना में उसके विरुद्ध वो प्रेम का जिक्र करते. Because 1 John 4 पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय कहता है, Perfect love casted out all fear. Amen. परिपूर्ण प्रेम जो है वो हर भय को दूर भगाता है. Your love of God for God, आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, is the source of your strength. वो आपकी ताकत और आपके बल का स्रोत है. And we're going to talk about courage a little later, but now I just want to focus on love for a second. हम साहस या धैर्य के बारे में थोड़े दिन थोड़े पल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं प्रेम के विषय में बात करना चाहता हूँ. See what courage is? जो धैर्य या साहस क्या है? Is an inward strength. वो अंदरूनी ताकत है. Is an inward strength. वो अंदरूनी ताकत है. Strength that comes from within. जो ताकत अंदर से आती है. And so love, जो प्रेम है, is an action, outward action here, as it mentioned here. जैसे वचन में बताया है, वो एक बाहरी रूप से एक क्रिया है, या फिर वो एक हरकत है. So the fruit of the spirit is love. तो जो आत्मा का फल है, वो है प्रेम. So when you love God, तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, when you love God, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, you inevitably believe in him. तो ये बात जाहिर है कि आप उस पर यकीन करते हो, उस पे विश्वास रखते हो. And love is a byproduct of that belief. और उस विश्वास का, उस भरोसे का नतीजा ही है वो प्रेम. And it is this love, और यही है वो केवल एक ये प्रेम, that disembles fear, जो उस भय को दूर भगाता है. Amen. Amen. If anything that's going to keep us sustained in this time, it's the love of God. अगर ऐसी कोई भी बात है जो हमें इस घड़ी इस पल टिकाए रखेगी, वो है परमेश्वर का प्रेम. That's why the psalmist, every time he finds himself into a situation, every time David finds himself into a situation, इसलिए भजन संहिता में हम देखते कि दाऊद कई बार अपने आप को इस हालात में पाता है कि वो कहता है कि he looks to God and says, where does my strength come from? वो परमेश्वर को पूछता है, कहता है कि मेरा बल कहाँ से आता है. I look to the hill from whence my strength comes from. My strength comes from the Lord.
मैं पर्वत की ओर देखता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा बल कहाँ से आएगा, लेकिन मेरा बल परमेश्वर से आता है. In Daniel, we see. दानियल की किताब में हम देखते हैं. Daniel says he has no strength when he sees God, but when God speaks to him, he gets strength. कि दानियल किस प्रकार कहता है कि जब उसके पास बल नहीं होता है, लेकिन जब परमेश्वर दानियल से बात करता है, तो वो बल से भर जाता है. Now, the man-like figure that appears to Daniel when he starts speaking to him. वो एक मनुष्य जैसी उसके सामने जो आकृति आती है और जब वो उससे बात करता है. He says, "I got strength to listen." वो कहता है कि मुझे अब बल प्राप्ति हुई ताकि मैं सुन पाऊं. So your love for God. तो जो तुम्हारा प्रेम है परमेश्वर के लिए. Is the source of your strength. वो आपके बल का, आपकी ताकत का जरिया है. Let me ask you a question today. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज. When tough times come. जब मुश्किल समय आता है. What is the foundation that keeps you strong? वो कौन सी बुनियाद है जो आपको मजबूती से खड़े रहने पर सहायता करती है? What is the foundation that keeps you going and that creates a grit in you that keeps you going? वो कौन सी बुनियाद है, कौन सी नींव है जो आपको उस बात में बनाए रखती है और आपको आगे बढ़ने के लिए वो ताकत पहुंचाती है? And I can tell you, if it's anything other than the love of God, it'll fail. और मैं आपको ये सच में कह सकता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम के अलावा कोई दूसरी बात हो तो वो एक ना एक दिन अपयशी होगी. Amen. Amen. I want to come to the last bit. और मैं आखिरी बात पर आना चाहता हूँ अभी. Of the sound mind. वो है एक स्थिर या शांत मन. A sound mind is a strong mind. एक जो स्थिर या फिर शांत मन होता है वो काफी ताकतवर और बलवान मन होता है. A strong mind is one that's not shaken according to the storm. वो शांत या फिर ताकतवर मन वो होता है जो तूफान के आने से वो डगमगाता नहीं है. It's strong because it knows its source, it knows its strength. वो ताकतवर मजबूत है क्योंकि वो जानता है कि उसका जरिया ताकत का कहां से आता है. See, courage is not something that can be seen in the good times. साहस when everything's okay. जब सारी बातें सही है जीवन में तब साहस नहीं नजर आता है हमें. Courage can be seen in when times are rough, when times are tough, when things aren't going right, when there's disbelief around you. साहस तब हमें नजर आता है जब चीजें मुश्किलातों में बदलने लगती है, जब कठिन हालात आते हैं, जब चीजें हमें जैसी चाहिए वैसी जब नहीं होती है, तब साहस आता है. When there's disbelief around you, when everybody around you, when your situation around you is saying that it's no good, you're about to fail. जब अविश्वास की ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, जब लोग कहते हैं सारी ऐसी बातें कि जहां पर आपको लगता है कि अब तो असफलता ही असफलता होगी, तब जाकर ये साहस का कार्य आता है. The thing that keeps you going from within, not the thing that keeps you going from outside. You know, we have people come up to us and encourage us and tell us all that is good. ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आकर हमें बड़ा ही प्रोत्साहन करते हैं, उत्तेजन देते हैं. वो बात की उसकी बात में बोल नहीं रहा हूं मैं जो हमको बाहर से ताकत देती है, बाहर से हमको खींचती है आगे बढ़ने के लिए. And I can relate with you if you're sitting today and we know looking at the world around us, it's not looking very good. और मैं आज यहां बैठकर आपकी स्थिति समझ सकता हूं कि जिस प्रकार जगत जिस दिशा में बढ़ रहा है कोई अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हमें. Things aren't looking too good. चीजें अच्छी नहीं लग रही है अब. But let me tell you what, when our situation around us. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे इर्द गिर्द जो हालात है. Is disbelief, is fear. जब वो पूरी तरह से भय से भरा हुआ है और विश्वास से भरा हुआ है. It is the Spirit of God that will bring strength from within. वो केवल परमेश्वर का आत्मा है जो हमें ताकत देगा अंदर से. It'll give you strength to stand against the entire storm. वो आपको ताकत देगा कि आप उस पूरे तूफान के सामने खड़े रह पाओगे. You know, when I was small, when I was young, जब मैं जवान था, काफी छोटा था तब.
I remember a time. मुझे पता है एक वो समय. When we used to have our evangelical service at St. John's School. जब St. John's School में हमारी evangelical सभा हुआ करती थी. And at the end of the service. और उस service के अंत में. There used to be prayer for people. वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना की जाती थी. People used to come one by one and get prayed for. लोग एक-एक करके आते और उन पर प्रार्थना की जाती. There were healings. वहाँ पर चंगाई भी होती. There were demon-possessed people getting delivered there. ऐसे भूतग्रस्त लोग भी थे जिनको वहाँ पर छुटकारा मिलता. And I remember this one specific time when my dad. और मुझे पता है वो एक दिन जिस दिन मेरे जो पिताजी हैं. When pastor was praying for people, जब पास्टर वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, and as a little boy, I was standing next to him, and I was looking at him as he was casting out some demons. और एक छोटा लड़का बोलकर मैं उनके पीछे खड़ा था और वहाँ पर देख रहा था किस प्रकार वो भूतग्रस्त को वहाँ पर छुटकारा का प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए. Now I was little, I was hanging on to his pants, and I was watching. मैं बस उनकी कमीज को पकड़कर वहां पर छोटा था तो मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है. I could see all kinds of demons, you know, some men like really scary looking men. और मुझे अलग-अलग प्रकार के वहां पर भूतग्रस्त दिखे, कुछ बड़े डरावने पुरुष के समान ऐसे. Some women screaming loudly. कुछ ऐसी औरतें जो बड़ी जोर से चीखती वहां पर. And I got scared. और मैं डर गया. And after the entire service finished, and we went. उसके बाद हम चले गए. We were in the car and we went to a bakery. और वहाँ से हम सीधे कार से बेकरी में चले गए. You know, funny thing is if you've seen demon possessed people being delivered, after walking out from that service, literally every single person you see, you think that person is demon possessed. और ऐसा होता था उन दिनों में कि अगर आपने किसी भूतग्रस्त को छुटकारा प्राप्त करते हुए या उनके लिए प्रार्थना करते हुए ऐसा मंजर अगर आपने देखा है तो उसके बाद आप जहां भी जाओ किसी को भी देखो आपको लगता था कि ये भी भूतग्रस्त ही है. I was so scared and I literally any person the person at the bakery he had a lazy eye and I thought oh my goodness he's demon possessed. तो ऐसा हुआ था कि जिस बेकरी में हम गए वो जो आदमी या शख्स था वहां पर उसकी आंखें काफी अजीब थी तो उसको देखकर मैं डर गया. मुझे लगा शायद ये भी वैसा ही इंसान है जो भूतग्रस्त है. And so everywhere I was scared. तो जहां भी जाता तो मैं डर जाता था. And then I remember we stopped at one place to get I think it was to get food to take away food. मुझे याद है कि हमको कुछ एक जगह पे हम रुके थे उसके बाद जहां से हमको खाना लेना था. And I told my mom. और मैंने अपनी मम्मी से कहा. That mom, I'm scared. Like I'm scared. कि माँ मुझे डर लग रहा है. मैं डर रहा हूँ. I'm legit scared. मुझे सच में डर लग रहा है. And my dad looked and he said, "What happened?" और मेरे पिता ने देखा और कहा पूछा क्या हुआ. My mom said, "Oh, I think he's scared because of what he saw." और मेरी माँ ने कहा कि शायद वो इसलिए डरा है क्योंकि उसने ये जो भी देखा उसकी वजह से. My dad just went down and gave me a pat on my shoulder. और मेरे पिता आए नीचे और उन्होंने मुझे कंधे पर हाथ रखकर मुझे थोड़ा समझाया. He did this. उन्होंने ऐसे मतलब कसकर पकड़ लिया मुझे. And he says, "Don't worry, son." और उन्होंने कहा कि बेटा चिंता नहीं करना. Your dad is both strong physically and spiritually. तेरा जो पिता है वो आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी काफी सामर्थ्यवान है. And at that young age there, when I heard those words come out of his mouth, और उस छोटी सी उम्र में जब मैंने ये शब्द अपने पिता के मुख से आते हुए सुने, something sparked something in my heart. मेरे दिल के अंदर ऐसी कोई बात चमकने लगी, ऐसी कोई बात आ गई. And at that moment in my life, at that very young age, I knew who I wanted to be. और उस समय उस छोटी उम्र में मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे क्या बनना है. Not what I want to do. ये नहीं कि मुझे क्या करना है. Not what I want to do in life.
ऐसा नहीं कि मुझे उस समय ये पता चला कि मुझे जीवन में क्या करना है, but I knew who I wanted to be in life. लेकिन मैं ये जान गया कि मुझे जीवन में कौन बनना है, मैं क्या बनना हूँ. I don't want to be a fearful coward. मुझे एक डरपोक ऐसे भयभीत होने वाला इंसान नहीं रहना. But I want to be strong spiritually and physically like my dad. लेकिन मुझे आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने पिता के समान ताकतवर होना है. And that drilled a mindset into me. और मेरे अंदर उस दिन ऐसी मानसिकता शामिल हुई. And countless times after that, I've experienced fear in my life. और उसके बाद कई बार ऐसे हुआ कि मैंने अपने जीवन में डर का अनुभव किया. All different sorts. बहुत अलग-अलग प्रकार के ऐसे डर. It's not that you won't experience fear after that. ऐसा नहीं है कि ऐसे होने के बाद आप फिर कभी डर का अनुभव नहीं करोगे. But instead of looking at the situation in front of you, लेकिन आपके आगे जो हालात है उसकी ओर ध्यान रखने के बजाय, look at the person who is standing with you. जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है आप उसकी ओर देखो. Now, I don't know whatever situation you're watching this in. मैं नहीं जानता कि आप किस हालात में ये आज प्रचार इसको सुन रहे हो. I don't know what COVID has taken away from you. और मैं ये भी नहीं जानता कि ये कोविड ने आपसे कौन सी बातें छीन ली है. Has it taken a loved one from you? या उसने आपसे किसी अपने प्यारे इंसान को छीन लिया है. Has it taken away your job from you? या उसने आपसे आपकी नौकरी छीन ली है. Has it taken away your confidence? या आपका आत्मविश्वास जो है उसे छीन लिया है. Your relationships? जो आपके नाते हैं क्या उसे छीन लिया है. Whatever it is that is bringing fear to you at this very moment. ऐसी जो भी बातें जो आपके जीवन में इस समय आपको डर दे रही है. Let me encourage you today. मैं आज आप सभी को उत्तेजन करना चाहता हूँ. Look to God. परमेश्वर की ओर नजर लगाइए. And stand strong no matter what the situation is. और चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो आप मजबूती से खड़े रहो. Stand strong and know who you want to be in this situation. इस हालात में मजबूती से खड़े रहकर ये जानो कि तुम्हें क्या बनना है इस हालात में. Because this situation will go, will end. क्योंकि ये हालात खत्म हो जाएगी और चली भी जाएगी. But the person you are will remain. लेकिन जिस प्रकार के व्यक्ति तुम हो ये रहेगा. You know, in this world that we live in today, आज इस जगत में जिसमें हम रहते हैं, the majority would think that this is foolish. बहुत संख्या में लोग इस बात को मूर्खता सोचते हैं कि the rational norm is to look at the world today and say it's okay to be afraid. Just it's okay, you know, it's an excuse you can make. जो सामान्य मानसिकता जगत में आज हमको दिखती है वो ये है कि लोग समझते हैं कि डरना एक आसान या फिर सामान्य बात है और इसमें कोई गलत बात नहीं कि कोई इंसान डरे. But God says, "Fear not, I am with you." लेकिन परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. God's promises are not situational for our lives. परमेश्वर के जो अभिवचन है वो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करते. Whatever situation you're in does not change God's promises for your life. आप जो भी हालात या स्थिति में हो उससे परमेश्वर के दिए हुए अभिवचन या उसके वायदे बदलते नहीं है. A thousand sicknesses may come and a thousand sicknesses may go, but God's promises still stand in your life. आपके जीवन में हजार बीमारियां आ सकती है और हजार आके चली भी जा सकती है, लेकिन परमेश्वर का जो वायदा और उसका अभिवचन है वो अटल रहेगा. So hang in there, hang on to the promises of God, hang on to the love of God. तो इसलिए परमेश्वर के जो अभिवचन है उसका जो प्रेम है उसको पकड़े रखे इस समय में. And as I close, I want to say one last story, one last example that I have. और जैसे हम समाप्त करेंगे अभी तो मैं एक आखिरी कहानी आपसे बात करना चाहता हूँ. And I heard this in one of the lectures I was listening in. और एक जो lectures में जिसको मैं attend कर रहा था मैंने उसमें इस बात को सुना. And I think this is extraordinary courage. और मुझे लगता है कि ये असामान्य साहस है. You know, it takes courage to be exceptional, to be extraordinary. ये असामान्य होने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है. It doesn't require courage to be normal, to just be one of the crowd. If everyone is crying, I'll cry too.
और भीड़ के अंदर का अगर एक हिस्सा होना है तो सबके जैसे होने के लिए कोई ताकत या कोई असामान्य बात या साहस की जरूरत नहीं पड़ती है। But it takes courage to make a firm decision in your heart saying that no, this is not who I am. You know, that's what Paul is trying to tell Timothy. For God has not given you a spirit of fear. You are not fear. Fear does not exist in you. और यही बात हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस तिमोथियो को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें साहस से भरना है क्योंकि परमेश्वर ने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया है। God has made you strong, God has made you lovable, and God has made given you a sound mind, a mind that is strong as iron, that stands strong on the will of God. परमेश्वर ने तुमको सामर्थ्यवान बनाया है, परमेश्वर ने तुमको प्रेम से भरा है और परमेश्वर ने तुमको एक संयम और एक शांत मन दिया है। There is a famous story about a rabbi. और एक मशहूर कहानी है एक रबाई के विषय में। His name is Rabbi Akiba. उनका नाम है रबाई अकीबा। And the story goes like this. The short version of the story is that this rabbi was a very influential rabbi during the Second Temple period. और दूसरे मंदिर के उस समय के दौरान ये रबाई जो है काफी मशहूर और प्रसिद्ध थे। During the destruction of the Second Temple, under the Roman rule, this rabbi was very famous in a lot of Jewish work. और यहूदी जितने भी सामाजिक कार्य में ये काफी रबाई मशहूर थे रोमी के समय में। And he was a teacher of the Torah, which is the first five books of the Bible. जो बाइबल की पहली पांच किताबें हैं जिसको कहते हैं तोरा ये उसके शिक्षक थे। And the Romans did not want him to teach. और जो रोमी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये रबाई ये सारी बातें सिखाए। And so then the Romans did what they do best. They came in and they killed him. तो रोमियो ने वही किया जो उसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने आया और उन्होंने इस रबाई को मार दिया। They told him not to teach, but he wouldn't. He refused. They killed him. उन्होंने बताया कि आपने ये सब नहीं सिखाना है। रबाई ने इनकार किया और फिर इन्होंने उस रबाई को मार दिया। There's various types. There's various additions to the story, but the main thing is they tortured him and they killed him. इसके बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे अलग-अलग इसके बातें बताई गई हैं कहानी के बारे में। लेकिन मूल बात ये है कि इन्होंने इस रबाई को बड़ी तकलीफ पहुंचाकर उसको मार दिया। And one of his students who was watching him being tortured as they were ripping out the flesh from his body. और इस रबाई के जो एक उसके जो शिष्य थे या फिर उसके जो विद्यार्थी थे उन्होंने देखा था उस रबाई को किस प्रकार से उनको छल से गुजरना पड़ा जब उनके शरीर में से मांस निकालते। And they saw that this rabbi was as if he felt no pain. और इन बच्चों ने देखा कि ये जो रबाई है इनको ये तो ऐसे चल रहा है जैसे कि इनको कोई तकलीफ या दर्द हो नहीं रहा। And so his student asked, Rabbi, like, are you not feeling any pain? Are you so strong? तो जो उस रबाई के जो विद्यार्थी थे उन्होंने पूछा रबाई से कि रबाई आप इतने ताकतवर हो क्या आपको कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है क्या? But as he was dying, और जैसे वो रबाई मर रहे थे उस समय में, he was saying the prayer of the Shema, which we spoke about last week. जो पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना के विषय में कहा था जो शिमा प्रार्थना शिमा की उस वो प्रार्थना वो रबाई कर रहे थे उस समय। He says, "I've loved the Lord thy God with all my heart." वो कहते कि मैंने परमेश्वर को अपने पूरे दिल से प्रेम किया है। With all my strength. अपने पूरे ताकत पूरे बल से। But he said, "I always wondered what it felt like to love the Lord thy God with your soul." लेकिन मैंने हमेशा मैं ये सोचता रहा कि इसका अर्थ क्या होता है जब परमेश्वर से प्रेम रखना अपनी जा से अपने पूरे जीवन से with your life अपने जीवन से परमेश्वर से प्रेम रखना। And he says today I have the privilege of fulfilling that commandment. और वो रबाई कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये जो आज्ञा है उसको पूरा कर पाया हूं मैं। Loving God with all my life. कि परमेश्वर से प्रेम किया है मैंने अपने पूरे जीवन से। And he died with that Shema on his lips.
और वो अपने मुंह से क्षमा कहते उनका देहांत हुआ. That's the kind of faith we have. We need to have this day, in this day and age. और इस युग में, इस प्रकार के दिनों में, इस प्रकार का हमें विश्वास की जरूरत है. Let me ask you a question today. मुझे आप सबसे एक सवाल पूछने दीजिए. Do you have the courage to love God in these times? क्या हमारे पास वो साहस है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें ऐसे मुश्किल समयों में? Do you have the courage to go after your dreams, to go after your calling in this time? क्या आपके पास वो साहस है कि अपने जो ख्वाब है, जो आपका बुलावा है, आप उसके पीछे निडरता से चल पाओ? This man knew that my life, the goal of my life is to teach the Torah. ये जो रब्बाई है वो जानता था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं ये तोरा जो है उसको मैं सिखाऊं और पढ़ाऊं. Until his last death. और उसकी मौत तक उसने ये कार्य किया. He stood strong. वो उस बात में मजबूती से खड़ा रहा अंत तक. I know situations are hard today. मैं जानता हूँ कि हालात थोड़े मुश्किल है. And there is some area in our lives that we are facing the same kind of persecution. और हमारे जीवन में भी ऐसा कोई ना कोई जगह है जरूर जहाँ पर हमें इस प्रकार का छल या तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है. Where the devil is coming after your faith, where the devil is coming after your belief, where the devil is coming after your calling, where the devil is coming after your dream. जहाँ पर शैतान आपके बुलावे के, आपके ख्वाब के, आपके हर एक बात जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, उन सारी बातों की आपकी पहचान हर चीजों के पीछे पड़ा है वो. But I God told me to tell you today. लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा आज आपसे ये कहने और आपको बताने. Keep the courage. वो जो साहस है उसको संभाले रखो. Keep the strength no matter what situation you find yourself in. चाहे आप अपने आप को किसी भी हालात में क्यों ना पाओ लेकिन वो ताकत और साहस को संभाल कर रखो. Because his promises for your life will not change. क्योंकि उसका जो वायदा और उसके अभिवचन आपके जीवन के लिए है वो कभी भी नहीं बदलेंगे. And that is the victory of God in our lives. और यही बात परमेश्वर की विजय होगी हमारे जीवन में. So just like Paul encouraged Timothy, I want to encourage you today. और जिस प्रकार संत पौलुस ने तिमोथी को उत्तेजित किया, उसी रीति से मैं आज हम सबको उत्तेजित करना चाहता हूँ. Don't let the situation around us make us timid or a coward. हमारे आज के हालात को हमें कमजोर और डरपोक बनाने ना दीजिए. Don't let it bring fear and doubtfulness and disbelief in our lives. हमारे जीवन में डर और शक की बातों को जगह ना दे ये सारी हालात. Yeah, I know some of you watching today, you must be saying that if only I could tell you what I've been through. If only you know what I've been through. और मुझे पता है कि आज ऐसे भी होंगे जो इस प्रचार को देख रहे हो और ये सोचते होंगे कि अगर यदि मैं आपको बता पाता कि मैं किस हालात से गुजरा हूँ तो शायद आप जानते. If only I could tell you how much pain I've been through. काश अगर मैं आपको बता पाता कि कितनी तकलीफ और कितने दर्द से मैं गुजरा हूँ. If only I can tell you what the devil has stolen from me today. कि अगर काश मैं आपको ये बता पाता कि शैतान ने मेरे पास से क्या चुराया है. I want to encourage you. मैं आप सभी को उत्तेजन करना चाहता हूँ. I may not be able to know it. मैं उस बात को शायद जान नहीं पाऊंगा. But God knows. लेकिन परमेश्वर जानता है. God is seeing your faithfulness. परमेश्वर आपके विश्वासोपद को देखता है. God is seeing how strong you're standing in this time. परमेश्वर देखता है और जानता है कि कितनी मजबूती से आप इस समय में खड़े हो. And he has promised to restore every single thing the devil stole from you. और शैतान ने हर एक बात जो आपसे चुराई है परमेश्वर ने तय किया है वो हर एक बात आपको वो लौटा देगा. He will restore it, not one, two, but seven times. He will restore everything the devil stole. वो जो भी बात शैतान ने आपसे चुराई है, वो एक दो नहीं, लेकिन सात गुना आपको लौटा देगा. The question is, do you have the courage to stand firm and wait for God? सवाल ये है कि क्या आप उतने मजबूती से खड़े रह पाओगे परमेश्वर और उसके वचन में? How much do you love God? आप परमेश्वर से किस हद तक और कितना प्रेम करते हो? I thank you.
I hope that this has spoken to you today. और मुझे आशा है कि ये वचन ने आज आपसे बात की है. And I hope you're encouraged today. और मुझे आशा है कि आज आप सब उत्तेजित हैं. Let's close our eyes and say a word of prayer. आओ हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें. Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I come into your presence today thanking you, God, for your promises that stands firm in all situations. मैं आपकी उपस्थिति में फिर एक बार आकर धन्यवाद के साथ आपको कहता हूँ कि धन्यवाद प्रभु कि आपके जो भी वचन है, जो वायदे हैं, वो हर पल परिस्थिति में अटल रहते हैं. Thank you, God, that you are the rock of ages. Your promises never change. धन्यवाद प्रभु कि आप युगों की चट्टान हो. आपके जो भी वचन है वो कभी असफल नहीं होते. Thank you, God, for your loving kindness that is with us through all the situations. प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपकी जो प्यारी भलाई है वो हमारे साथ हर स्थिति और हर हालात में बनी रही है. Father, in this moment we pray, let your spirit bring courage and strength for us to keep going in this situation and not give up and not quit. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस ऐसे मुश्किल हालातों में प्रभु कि आपकी आत्मा हमें सहायता करे, वो साहस दे, वो ताकत दे कि हम कहीं हार ना माने, लेकिन जो बात जिसमें हम बड़े हैं आपकी सहायता से उसमें हम बने रहे. God, because we know at the end of it, Father, we have a reward waiting for us in you, Lord. क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु कि इस बात के अंत में हमारे लिए एक प्रतिफल होगा जो आपसे होगा. Let your spirit take control of our lives, Father. Let your spirit transform us from the inside so that we may see you and so that our actions may reflect you in this world today, O God. कि प्रभु मांगते प्रभु आपका आत्मा प्रभु पूरी तरह से हमारे जिंदगी को ताबा ले ताकि प्रभु हमारे हर एक बातों से प्रभु आपकी बातें झलक जाए प्रभु और प्रभु हमारा जीवन पूरी तरह से आपके इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो जाए. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray, amen. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते आमीन. God bless you and have a great week. परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपका बहुत ही अच्छा सप्ताह रहे.